नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस अलर्ट में। तो दोस्तों, इजराइल और भारत के संबंध लगातार मधुर होते जा रहे हैं और दोनों देश अपनी अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये संबंध और भी तेजी से आगे बढ़े। और इस बार जो खबर आई है वो सीधी इजराइल से आई है दोस्तों, और ये खबर है एक नई मिसाइल इंटरसेप्टर को लेकर। क्या है ये मिसाइल, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये कितनी खतरनाक है और चीन के खिलाफ कितनी ज्यादा कारगर होने वाली है मिसाइल, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसराइल की एक कंपनी है राफेल एडवांस सिस्टम, जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है इसराइल की और सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है इसराइल की। इसने भारत की कंपनी कल्याणी ग्रुप के साथ काफ़ी लंबे समय से कोलैबोरेशन किया हुआ है, और ये दोनों मिलकर हथियार बनाते हैं। और दोनों कंपनी के कोलैबोरेशन के तहत इसराइल ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, और ये ऑफर है उसकी डबी मिसाइल का। दोस्तों, ये मिसाइल जो कि सबसे एडवांस है और मार्क 3 वेरिएंट का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, उसका ऑफर भारत को दिया गया है। ये आप कह सकते हैं कि ये लो रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल की तरह काम करती है, और आज की तारीख में इसराइल के पास मौजूद शॉर्ट रेंज में जितने भी इंटरसेप्टर हैं उनमें ये सबसे एडवांस है, और ये मिसाइल काफ़ी घातक है। वहीं चीन के खिलाफ इसे स्पेशली इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों में जो इसका काम है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये अपने दुश्मन को टारगेट करती है। वहीं इतना ही नहीं, इस ऑफर के साथ ये भी कहा इसराइल ने कि अगर भारत उसे इस मिसाइल के ऑर्डर देता है तो मिसाइल तो वो हमें देगा ही समय पर जो दूसरा जो मेन काम है वो है इसकी टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही एडवांस है आज की तारीख में, वो भी ट्रांसफर करेगा। और इसी कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर, जो कि भारतीय कंपनी है, भारत में ही डेवलप करने को लेकर भी तैयार है। तो ऐसे में ये एक बहुत ही बढ़िया ऑफर बन जाता है, खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो होती है ये जब होती है जब दो देश बहुत ही मजबूत संबंध रखते हैं आपस में, और वरना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऐसे नहीं हुआ करते, खासकर कि ऐसे हथियारों का जो कि बहुत ही लेटेस्ट हों। और इसराइल की तरफ से दिया गया ऑफर दिखाता है कि आज की तारीख में दोनों देशों के संबंध किस स्तर पर हैं, और दोनों देशों के बीच जो भरोसा है वो कितना ज़्यादा कायम हो चुका है आज की तारीख में। हालांकि इस मिसाइल की बात करें तो भारत अगर इस मिसाइल को लेता है तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ होगा, पाक के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उनके खिलाफ ये कुछ ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, और ज़्यादा एडवांस हथियारों की ज़रूरत पाकिस्तान के खिलाफ तो आज की तारीख में नहीं है। हाँ, चीन के खिलाफ ये हमारे लिए बहुत ही कारगर हथियार साबित हो सकता है, साथ ही हमारी जो एक तरह से डिफेंस डोमेस्टिक कंपनीज हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि उन्हें जब इसराइल टेक्नोलॉजी देगा तो ये आगे चलकर ऐसे एडवांस हथियार बनाएंगे और फिर उनको एक्सपोर्ट करेंगे, और इससे भारत को भविष्य में सुपर पावर बनने में मदद मिलेगी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।